तो ये है बॉक्स, रहा है चाबी से कोशिश कर रहा हूँ, खुल ही नहीं रहा खुल खुल गया। इसके अंदर अब एक और बॉक्स है, हैं खुल इसके अंदर हम लोग का केमिस्ट्री लैब का बॉक्स, इम्प्रूव कंपनी का। तो अब खुल गया, तो इसके अंदर क्या क्या सामान देखता हूँ। तो इसमें स्प्रिट लैंप है, एक बीकर, एक फेनल है। ये क्या है प्लोथिंग के अंदर? अच्छा, इसके अंदर सेफ्टी ग्लास है। ये रहा सेफ्टी ग्लास, अब मैं इसको पहनता हूँ। और ये है चश्मा के साथ मेरा, ठीक है। तो फिर आगे कंटिन्यू। तो अब इसमें ये निकला है ग्रेजुएट सिलेंडर और 50 ml। फिर इसमें ट्यूब है कॉर्क से कनेक्ट करने के लिए, ये रहा। फिर इसमें ये क्लैंप है, ये दो बॉक्स निकालता है पर, एक और क्लैंप, ये उसका स्टैंड, और इसमें एक रड है और एक ट्यूब है। ये ट्यूब के अंदर क्या होगा पहले ये अलग करता हूँ। ट्यूब के अंदर शायद लैब थर्मोमीटर होगा -10 degrees से 110 degrees तक का। तो अब खोलता हूँ। चाबी से ही खोलता हूँ, सही रहेगा। तो ये निकल ही नहीं रहा, क्यों नहीं निकल रहा? टेप मारा हुआ है, बहुत टाइट है। देखो ये ट्यूब के अंदर लैब थर्मोमीटर ही है। इसका -10 से 110 degrees तक का होता है जैसा मैं बताया, ये बहुत सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो अब ये खोल रहा है, इसमें पहले लैब थर्मामीटर डाल देता हूँ, एक सेकेंड पहले इसको खोल लेता, उसके बाद डालूँगा। खुल गया, अब इसके अंदर लैब थर्मामीटर डाल देता हूँ। तो ये लैब थर्मोमीटर डल चुका है और अब ये दंडा को, ये है रोड,
तो इस रोड को हम लोग खोलते हैं पहले इसका नट, और फिर इसके स्टैंड में इस तरह घुसाते हैं। घुसो घुसो घुसो, फिर यहाँ पीछे नट लगाते हैं। तो लग गया नट, तो अब इस पे क्लैंप लगता है। तो ये यहाँ पे मेरे पास दो दो क्लैंप है, तो इसको लगाते हैं। तो ये लग रहा है, कैसे लगता है समझ नहीं आ रहा है। तो ये क्लैंप नहीं लग रहा है, कैसे समझ आ रहा नहीं है। तो टेस्ट ट्यूब होल्डर है, फिर कुछ मैनुअल्स है, फिर ये मैनुअल में पता नहीं क्या क्या लिखा है, पढ़ता हूँ। ग्रीटिंग से इसमें, और ये तो सारा इंस्ट्रक्शंस बुकलेट है। तो क्या क्या लिखा है एक बार रीड कर लेता हूँ। हम लोग का इम्प्रूव डॉट इन पे सारा वीडियो से आपका ऐप जल्दी आएगा, ये ईमेल एड्रेस है। फिर कुछ दो थो विजिटिंग कार्ड है, अभी दूसरा बॉक्स ओपन कर रहा हूँ। ये बॉक्स ओपन हो रहा है, खुल आइस। इसमें केमिकल्स है बहुत सारा। तो इसमें कौन कौन से केमिकल है बताता हूँ। इसमें है एक तो क्या है बताओ, इसमें एक तो है बता रहा हूँ, 1 मिनट। ये HCl है डाइल्यूटेड, फिर है इथानल अल्कोहल, फिर है सल्फरिक एसिड, फिर इसमें सोडियम प्रोसिस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ठीक है। ये बड़ा वाला, ये जो है 4 हो गया। अब ये है फिनॉल रेड, तो ये कुछ ऑरेंज, फिर ये है पेनोटफथैलिन, ठीक है। ये पेनोटफथैलिन, ये एक इंडिकेटर है, ये दोनों एक इंडिकेट। फिर ये है एक्रेट्रिक एसिड, तो ये एक टाइप का एसिड है, और इसमें HCl और सल्फरिक एसिड डाइल्यूटेड है। फिर कुछ नेजल रिग्रेंट है, पर इसमें बहुत सारा केमिकल्स है, काफ़ी सारा। इसमें लगभग 30 से ज़्यादा केमिकल्स है, तो ये बहुत अच्छा की। फिर कॉपर टर्मरिक है, फिर इसमें फेरिक क्लोराइड है, ये कुछ ब्राउन रंग का है। ये आयोडाइन सॉल्यूशन है, ये कार्बोहाइड्रेट वगैरह चेक करने में यूज होता है। फिर इसमें कॉपर सल्फरेट है, जो कॉपर प्लस सल्फरिक एसिड मिलके बनता है ब्लू रंग का। फिर इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, फिर इसमें सोडियम कार्बोनेट है, जिसको वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। फिर इसमें बेरियम क्लोराइड है, पता नहीं ये क्या होता है, कोई क्लोराइड होता है। फिर इसमें स्टार्च पाउडर है,
और इसमें एमोनियम क्लोराइड भी है। सल्फरेट, फिर इसमें है जिंक सल्फरेट। ये जो जिंक मटेरियल में सल्फरेट एसिड मिलने से जिंक सल्फरेट बनता है। फिर इसमें सल्फर है जो गार्लिक होता है उससे बनता है सल्फर। गार्लिक के अंदर जो येलो रंग का होता है उससे सल्फर बनता है। ये जो है फिर इसमें कुछ जिंक ग्रेनेड नाम से है जो हाइड्रोजन गैस बनाने वक्त काम आता है। फिर इसमें मैग्नीशियम रिबन है जो दिवाली का पटाखा होता है क्रैकलर्स। अगर उसे जलाएंगे मैग्नीशियम रिबन को तो सेम स्टाइल से फूटेगा क्योंकि ये एक टाइप का बारूद होता है। फिर है घर में यूज़ होने वाला एल्युमिनियम का फॉइल। इसमें नेल से काटी कील जिसको कहते हैं। इसमें पोटेशियम डायोडाइड करके कुछ है। इसमें पोटेशियम पर मैग्नेट भी है। फिर इसमें है सोडियम सल्फरेट। फिर इसमें है कैल्शियम कार्बोनेट। फिर इसमें है बेरियम हाइड्रोक्साइड। इसमें है सोडियम क्लोराइड। फिर इसमें है सोडियम एक्रेट जो हम लोग अगर नॉर्मल पानी में ना ठंडा ना गर्म नॉर्मल पानी में अगर मिलाते हैं तो ये उस टाइप। उसके बाद इसमें बेकिंग सोडा का क्रिस्टल स्टिक पे लगा के डुबाएंगे तो ये हॉट आइस बनेगा, हॉट आइस। फिर इसमें है कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड। फिर इसमें है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा। अगर हम लोग बेकिंग सोडा में टमाटर का एसिड मिला देंगे तो ये बेकिंग पाउडर बन जाएगा। और एक और बॉक्स है, ये खुल रहा है, एक सेकेंड खोलने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ये खुल गया तो एक सेकेंड फिर फंस गया, खुल गया। तो फिर एक बॉक्स है उसके अंदर क्या है पता नहीं। फिर इसमें पीएच पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर है, ग्लव्स है, फिल्टर पेपर है। तो मैं सबसे पहले ग्लव्स पहन लेता हूँ, ये खोल रहा हूँ एक सेकेंड। तो ये खुल गया, बस ग्लव्स हाथ में मैं डाल लेता हूँ एक सेकेंड। ये जो है लगभग 10 या प्लस लोग के साइज का है तो ये अच्छा बात है। और ये पता नहीं कोई मटेरियल का है पर बहुत अच्छा क्वालिटी का है। फिर इसमें है टेस्ट्यूब पोछने का ग्लव, क्या बोलता है, टेस्ट्यूब पोछने का ब्रश। और फिर इसमें ड्रॉपर है, कितना ड्रॉपर है, अच्छा दो ड्रॉपर है, एक सेकेंड निकाल लेता हूँ। ठीक है एक ड्रॉपर निकाल लिया, एक सेकेंड निकाल लेता हूँ, एक सेकेंड। तो अब ये दूसरा भी निकाल लिया। फिर इसके अंदर है टेस्ट ट्यूब स्टैंड। अब ये दूसरा बॉक्स है, इस दूसरे बॉक्स के अंदर क्या होगा देखते हैं। अच्छा जब तक खुल गया इसके अंदर चार टेस्ट ट्यूब निकला और भी है कुछ अंदर, और चार टेस्ट ट्यूब और निकला बस, और कुछ नहीं है। और इसके रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंट जल्दी नेक्स्ट वीडियोस में आएगा। तो इसमें तो काफ़ी ज़्यादा सामान निकला है तो मैं बस ये चेक कर रहा था स्प्रीट क्लैंप का वो कैसे लगाते हैं। तो हो गया ख़त्म।